राजधानी रांची में इटकी रोड और पिस्का मोड़ से लेकर जाकिर हुसैन तक बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम अभी भी जारी है और जो ताज़ा अपडेट है उसके अनुसार अब रातू रोड से जो लोग गुजरते थे अपने वाहनों को लेकर अब नहीं गुजर पाएंगे। रूट में जो है बदलाव कर दिया गया है और ये बदलाव आप मेरे पीछे हो रहे काम को देखकर समझ सकते हैं। ये रूट इसलिए बदल दिया गया है क्योंकि यहाँ जो है एक महीने तक काम चलने वाला है और 30 जनवरी तक जो है रूट में परिवर्तन कर दिया गया है। यानी जो लोग पिस्का मोड़ से रातू रोड की ओर आते हैं और यहाँ से अगर जाना चाहते हैं तो वो इस ओर से अब नहीं जा पाएंगे। दुर्गा मंदिर जो चौक है वहाँ से अब उन्हें जो है लेफ्ट मुड़कर जाना होगा और सूचना भवन वाले रास्ते से होकर जाकिर हुसैन पार्क पहुँचना होगा। और जितने भी लोग हैं जो कि हॉटलिफ्ट चौक से होकर इस ओर आते हैं उन्हें भी अब जो है सूचना भवन के रास्ते जो है जाना पड़ेगा। हालांकि जो है एक रास्ता को जो है वो छोड़ा गया है यानी कि जाकिर हुसैन पार्क से जो लोग रातू रोड यानी कि पिस्का मोड़ जाना चाहते हैं वो एक वे से जा सकते हैं, लेकिन उधर से अगर किसी को आना हो तो उसके लिए जो है रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। और देखिए जो पूरा रूट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम जो है वो जारी है और इससे पहले जो काम हो रहा था वो रातू रोड चौक से लेकर जो उस साइड का जो एरिया था वहाँ हो रहा था, जहाँ की लगभग जो है काम पूरी कर ली जा चुकी है। बहुत सारे जो पिलर्स है वो लगाए जा चुके हैं लेकिन इधर का काम जो था वो अधूरा था, काम शुरू नहीं हुआ था। लेकिन अभी देखिए जो है अब यहाँ का काम शुरू हो गया है। इससे पहले जो राजभवन का दीवार आप देख रहे हैं, राजभवन का दीवार भी जो है तोड़कर अंदर ले लिया गया है ताकि जब एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम हो तो दिक्कत ना हो। उसके बाद साथ ही साथ सड़क के लिए भी रास्ता बचे, इसके लिए आप देखिए जो है राजभवन की दीवार जो है वो भी अंदर कर दी गई है और लगभग एक महीने तक जो है ये काम चलने वाला है। और काम जो है कुछ दिनों से ही प्रारंभ हुआ है तो एक महीने तक जो है रूट डाइवर्ट रहेगा। ऐसे में लोगों को परेशानी हो सकती है क्योंकि अभी न्यू ईयर का समय है, ऐसे में ज़्यादा अधिक जो है आवागमन नहीं हो रहा है, ऐसे में यातायात में ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है। लेकिन जब ऑफिसेस खुल जाएगी तब कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आएगी। इस वजह से हम पहुँचे हैं यहाँ पर स्थिति का जायज़ा लेने के लिए और ये भी बताने के लिए कि आपको अगर इस ओर आना है तो आपको किस ओर से जाना होगा। हालांकि ये जो है एक महीने काम चलेगा, ऐसे में लोगों को दिक्कत आएगी। देखिए जो अब ये जो एरिया है जहां पर जो है आरओबी बनेगा यानी कि जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है बनने के बाद जो है यहां से लोग उतरेंगे भी और जब फ्लाईओवर पर चढ़ना हो तो यहाँ से चढ़ेंगे भी। तो ये जो है मैन जो है आखिरी कह सकते हैं कि जो है एलिवेटेड फ्लाईओवर का जो है यहाँ पर अंत हो जाएगा। और क्योंकि ये इटकी रोड और पिस्का मोड़ यानी कि लकड़ीटाल जो एरिया है वहाँ से ये जो है एलिवेटेड फ्लाईओवर प्रारंभ होगा जो कि यहाँ पर जाकर समाप्त हो जाएगा। हालांकि अभी जो है काम प्रारंभ है, ये कहा जा रहा है कि मार्च से अप्रैल तक जो है काम पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि काम कब तक पूरा होता है, लेकिन जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि रूट डाइवर्ट कर दिया गया है क्योंकि एक महीना तक जो है यहाँ काम चलने वाला है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार रांची।